अगर भारत में महंगाई रोकने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विफल रही है और अडानी की संपत्ति बढ़ाने में इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जो 2014 में 7.1 अरब डॉलर थी, अभी 150 अरब डॉलर हो गई है, इसकी जो जिद है कि हम सारा पैसा किसी एक या दो व्यक्ति को दे देंगे, तो इसके खिलाफ जब पूरा देश एक साथ खड़ा हो रहा है, तो देश की शर्त यही है कि पहले देश को बचाना है। भारतीय जनता पार्टी में मोदी सरकार में जो आपके इकोनॉमी के सलाहकार हैं वो कहते थे कि इस देश के संविधान को बदलने की आवश्यकता है। तो आप मुझे बता दीजिए कि जो सरकार इस संविधान को बदलने पर आमादा हुई, इसका मतलब क्या है कि 140 करोड़ आवाम की भावनाओं को कुचलने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो उसे रोकने के लिए इंडिया गठबंधन बना है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष का विरोध करते करते इंडिया का विरोध करने में बिल्कुल कहीं नहीं चुप रहे सर, हैं। इस देश इंडिया को एक मजबूत और स्थिर सरकार चाहिए, वो स्थिरता क्या INDIA इस चीज का विश्वास जनता को दिला पाएगी कि वो स्थिरता INDIA के आने से होगी? इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि हर पार्टी के अपने टर्म्स एंड कंडीशन है। देखिए, हर पार्टी की टर्म्स और कंडीशन जनता के सरोकार से अलाइंड होते हैं, मैप्ड होते हैं, तो जनता का जो सरोकार है वही आपकी शर्त होगी। तो इस गठबंधन में कोई ऐसी अजूबी शर्त नहीं आई है कि जो जनता के सरोकार को ध्यान में ना रखा गया हो। तो जनता के सरोकार को हम लेकर के चल रहे हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो रही है। युवाओं के सवाल पर जवाब नहीं दे पाती है, किसानों के सवाल पर जवाब नहीं दे पाती, बेटियों के सवाल पर जवाब नहीं दे पाती, महंगाई के सवाल पर जवाब नहीं दे पाती। अब भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में क्या किया? जो युवा 2014 में 18 साल का था, आज 28 साल का हो गया, उसके ऊपर एक ऐसी जिम्मेदारी आ गई, उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब वो करे क्या? करे क्या? इनके सोशल मीडिया पे टोरो आदमी बन के काम करता रहेगा? उसे रोजगार नहीं चाहिए? अगर इस देश के युवा को रोजगार नहीं मिलेगा तो देश पूरी विश्व शक्ति कैसे बनेगी? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी गेन करने के लिए आज इस देश का जो ग्रोथ रेट है वो 15% होना चाहिए, जो कि 7% है। अगर आज 7% है, कल भी 7 है, परसों भी 7 है, 1 महीने बाद भी 7 है, 1 साल बाद भी 7.5 है, 2 साल बाद 8 हो गया, तो कैसे आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हासिल कर लेंगे? तो ये जो जुमले हैं, पहले ऐसा लोगों को महसूस होता था कि इस देश के प्रधानमंत्री अगर लाल किला से कुछ बोलते होंगे तो उसके अंदर सच्चाई होती होगी, लेकिन अभी पूरा देश जान गया है कि इनको फेंकने के लिए कोई भी जगह फेंक सकते हैं। वो लाल किला क्या हो, क्या कोई रैली हो, क्या कोई सदन हो, क्या कोई सभा हो, क्या सड़क हो, क्या विदेश हो, क्या देश हो, क्या एयरपोर्ट हो, क्या कोई कैसे संस्थान हो, वो कहीं भी फेंक सकते सर। इससे पहले तो भी देखिए, आप सीधे जो दो व्यक्ति कह रहे हैं, अडानी हो, अंबानी हो, जिसका मुद्दा आप लोगों ने पहले भी विधानसभा चुनाव में बड़ा जोर शोर से उठाया था, मैं क्लियर नाम लेकर के बोल रही हूँ, जनता ने उस चीज को नकार दिया था। फरमान क्या सुनाया? फिर से बीजेपी आ गई उत्तर प्रदेश में। ये आप जो जिन मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं वो जनता पे छोड़ दीजिए, आप अपनी तैयारी फिर कीजिए। आपकी क्या तैयारी है इस चीज को लेकर के, आप जवाब दीजिए। मैंने कहा ना, हो सकता है हम लोगों के बीच में बात पहुंचाने में असफल रहे हो, जनता इस बात को नहीं समझ रही है, हम पहुंचाने में असफल रहे हो, तो अगर हम असफल हैं फिर दोबारा पहुंचाएंगे। जो चीज एक लास्ट बात, फॉरेन पॉलिसी की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्य स्वामी जी कह रहे हैं कि चाइना 4600 वर्ग किलोमीटर अपने देश की जमीन को कब्जा कर लिया है। ये जमीन कितनी होती है आपको पता है? अगर हम यहां से उत्तराखंड चले जाएं 20 किलोमीटर की चौड़ाई में, तब जाके 4600 वर्ग किलोमीटर जमीन होती है। इतनी जमीन आ रही मनीष शुक्ला जी, एक कमेंट ठीक है, उसके बगल में बैठा हुआ चाइना। तो अगर हम उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसी क्या कमजोरी है या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी के नेता? जावेद जी, मैं आपका रुख कर रही हूं, मनीष शुक्ला जवाब, ठीक है सर, जवाब ले लेती हूँ, बोलिए। एक प्रवक्ताओं को देखिए, दो बातें हैं। एक तो अभी चीन की बात कर रहे थे धर्मेंद्र यादव जी, ये बताएं जिनके साथ इनका गठबंधन है कांग्रेस के साथ, उनके जमाने में चीन ने कहां कहां कब्जा किया? इनको पता अक्साई चीन में कितनी जमीन गई हिंदुस्तान की? अरे सर, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। पता है कि 2006 में कितनी जमीन गई हिंदुस्तान की, 2008 में कब गई? जब सेना किसी बात को कहती है पीसी करके, या सेना जब बयान जारी करती है और उसकी खिलाफत होती है, तो एक तरह से देश के विरुद्ध बात होती है। सेना का बयान है कि कोई भी जमीन 2014 के बाद चीन ने कब्जा नहीं किया है या चीन नहीं घुस पाया है, लेकिन चीन और पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाना आजकल ये सपा बसपा हो गया सर, आप पे एलिगेशंस लगे, आपने यहाँ पे जवाब दे दिया, वापस आ जाए हम उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर, उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर, हो गया सर। आवास में बैठ के भाई मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्रिया जी, आपने जवाब दे दिया ना, आपने उनको दिया, एक बार उसको काउंट कर लीजिए, कम से कम मुझे बोलने तो दीजिए। नहीं नहीं प्रिया जी, एक मिनट, जब डोकलाम चल रहा था तो राहुल गांधी चीन के दूतावास में बैठ के डिनर कर रहे थे,
लोगों ने पूछा आप डिनर करने गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, जब फोटो सामने आ गए तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। ठीक है सर, मैं नहीं चाहती हूं कि आप डिनर होने में से आपने जवाब दे दिया सर, ठीक है, बीच में रोक दिया था ना उनको भी, आपने जवाब दे दिया सर, मौका दे दिया। बात उत्तर प्रदेश की हम कर रहे हैं, 80 लोकसभा सीटों का जिक्र हम कर रहे हैं। जावेद अहमद जी का मैं कॉमेंट ले लूं, उसके बाद आपका रुख करूंगी मनीष जी। ठीक है जावेद जी, देखिए मुद्दे से भटक गए आप लोग। मैंने कहा था उस वक्त, अभी हमें सम्मानित प्रवक्ता जो कांग्रेस के थे उन्होंने तस्लीम किया कि देश में वाहिद एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, माननीय बहन जी हैं, जिनके पास एक सॉलिड वोट बैंक है और जिसके पास इतना बड़ा खजाना हो चट्टान के तरह, उनका समाज उनके साथ है, तो फिर उनको तो हक पूरा मिलना चाहिए। ये अख्तियार या अथॉरिटी पूरी बहन जी के साथ है, उनका फैसला सब आंखों पर है। लेकिन इस डिबेट में एक बात खुल के सामने, हम लंबी लंबी बात नहीं करेंगे जी, हम 80 सीट की बात करेंगे। 80 सीट के अलावा प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के और देश के हर कोने में एक समाज का बहुत बड़ा वोट है। तो ऐसी बहन जी जिन्होंने अपनी जिंदगी पूरी गरीब समाज के लिए कर दिया, आज राष्ट्रीय पार्टी के मैं एक नुमाइंदा से बात कर रहा हूं, माननीय बहन जी को इज्जत वकार और पूरा सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत गरीबी से उठकर, एक शिक्षिका से उठकर आज देश के बड़े पैमाने पर इस सूबे में चार चार बार मुख्यमंत्री रही। मेरा रिजेक्शन है कि जो भी माननीय बहन जी का फैसला होगा समाज के हित में होगा, गरीबों के हित में होगा, और समाज में आंखें में आंसू लिए लोग जो सदियों से पीड़ित हैं, जिनकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी और माननीय बहन जी लड़ रही है, पानी बहन जी का हम सपोर्ट करेंगे। अभी मीटिंग में बहन जी ने कहा था कि मेरा और तो ट्रांसफर हो जाता, दूसरे कोर्ट नहीं मिलता है, जिनके पास अभी हमें सम्मानित प्रवक्ता जी कांग्रेस कह रहे 19% 14 मिला, फिर 19 में मिला, इतना 20% मेरे पास वोट है और समाज को। और मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, माननीय बहन जी का आइडियोलॉजी और बहुजन समाज पार्टी का लॉजिक अपने चलने वाली है, हम किसी बात में कंप्रोमाइज नहीं करते। जहां मेरे नेता का सम्मान मिलेगा, जहां महेंद्र जी को अपना हक हकूक मिलेगा, जहां समाज के दर्द की माननीय बहन जी नुमाइंदगी करेंगे, वहां बहुजन समाज पार्टी देश के कोई पुष्ट तो नहीं हो सकता सर। मायावती की तरफ से भी सीट को लेकर के इच्छा जाहिर कर दी है, लेकिन जब आप गठबंधन का हिस्सा होते हैं तो सभी पार्टियों को कुछ तो कर नहीं सकते ना। आप बता रही हैं, निर्धारित आप बता रही हैं, अभी हम लोग ऐसे कुछ नहीं है। आप सजग पहरी हैं लोकतंत्र की, आपके पास आज्ञा होगा, लेकिन हम लोग के पास अथॉरिटी नहीं है, अख्तियार बहन जी को है, जो फैसला लेंगे वो सर आंखों पर है। ठीक है मनीष सिंधवी जी, जी बोलिए सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि चूंकि यहां पर बात कांग्रेस की आ गई तो मेरा जवाब देना लाजमी है कि मैं अपना जवाब तो दे दूं। आज इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर है कि अरुणाचल प्रदेश को चीन ने अपने नक्शे में दिखा दिया है, भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। ये कहते हैं कि कोई अंदर आया ही नहीं, तो पुल बैक प्लान की बात क्यों शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री कर रहे थे, कौन अंदर आया कि आप उसके पुल बैक प्लान की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप कोई अंदर आया ही नहीं। चलिए खबर कल की है सर, इस खबर पे भी हमने बात की थी, खबर भी हमने दिखा दी थी, उस पर शांति बना रखे हैं। रिएक्शन पार्टी देगी नहीं देगी सर, क्या क्या कर रही है वो केंद्र का मामला है, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। नहीं मेरा नहीं, नहीं सेना बात, सेना का बयान है, बात चीन सेना का बयान है, कांग्रेस की थी तो मुझे तमाम समयों पर पाकिस्तान चीन जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी तो तमाम नक्शा के नक्शे पर उन्होंने तमाम क्षेत्रों को दिखाया था। लेकिन विषय यह है कि अगर किसी बात पे सेना का बयान आया है तो सेना के बयान को, भारतीय सेना के बयान को आप सही मानेंगे कि जो चीन जो इस बात के लिए फेमस ही है कि मैनिपुलेट करता है सर वापस।